नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा K2S न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर कैला देवी की यात्रा जाने वाले यात्रियों के लिए कई सामाजिक संगठनों ने उनकी सेवा के लिए पानी और खाने की व्यवस्था की। वहीं ब्राह्मण समाज द्वारा यात्रियों को दूध की ठंडाई पिलाई गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वलखंडी बालाजी सेवा समिति द्वारा यात्रियों को भोजन की व्यवस्था की गई और अपना घर सेवा समिति द्वारा जल सेवा जारी है। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। ठंडाई का कार्यक्रम किया है, ये किसके द्वारा किया गया है? ब्राह्मण समाज गंगापुर ब्राह्मण। किस लिए? जल सेवा सायंकाल को 4 बजे से ठंडाई सेवा वगैरह सभी यात्राओं को पिला करके और उनका सम्मान रखा। और यह ठंडाई के साथ जल भी हमने आपूर्ति करा रहे हैं, भंडारा है, वहाँ भी सेवाएं करेंगे। किसके द्वारा करवाया जा रहा है? किसके द्वारा करवाया जा रहा है? ये श्री हमारे सनातन गौर ब्राह्मणों की ओर से दूध की। ये बनखंडी बालाजी सेवा समिति के देखरेख में ये कैला देवी माता जी के आने वाले यात्रियों के लिए ये भंडारा शुरू किया गया। कितने वर्षों से ये सेवाएं आप लोग दे रहे हो? वैसे तो ये 12वां भंडारा है। अच्छा। कोविड की वजह से 2 साल का इसके अंदर गैप लगा। अच्छा 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 अच्छा। और काफ़ी समय से शहर के सहयोग से और आम सहयोग से, आम जनता के सहयोग से भंडारा लगाया जा रहा है और ये भंडारा निरंतर चालू है। और ये कैला देवी के दर्शन के लिए जो यात्री आते हैं और जाते हैं उनके लिए निःशुल्क भंडारा लगाया गया है और 8 अप्रैल तक ये भंडारा चलेगा, जारी रहेगा। चलो।